सगीर हुसैन है बर्मिंघम इंग्लैंड से, वो कहते जी कल वजीर आजम शहबाज शरीफ के की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई, जो शुजात ने शहबाज शरीफ से कहा कि बेफिक्र रहे हम आपके साथ हैं मगर इस शर्त पे कि आप आवाम को रिलीफ दें और महंगाई कम करें। क्या ये चौधरी शुजात हुसैन की बड़ाई का एक सबूत नहीं? सगीर हुसैन साहब डेफिनेटली, चौधरी साहब बहुत ही भले आदमी हैं और सच पूछें तो ये पूरे का पूरा ख़ानदानी बहुत बीबा और डाउन टू अर्थ किस्म के लोगों का है। वही तकबर रऊनत इनके दिमाग नहीं ख़राब होते हैं। ये चाहे प्राइम मिनिस्टर हों या चीफ मिनिस्टर हों या चौधरी साहब रहें, वो कोई किसी किस्म की इनकी अच्छा हर किसी से प्यार मोहब्बत रवादारी रख रखाव उनकी सेकेंड नेचर है। ये उनको करना नहीं पड़ता, ये उनकी तबीयतें इसी तरह ही हैं। तो चौधरी साहब ने जो कहा उनके ख़ानदानी रवायात के हैं मुताबिक सिंपल। शाकरुल्ला मॉल रोड से वादा करके ना मुकरे हुए हैं, अभी तक ये मिले नहीं हैं और ना इन्होंने मुझे वो मेरी किताबें, वो मेरे पास आउट ऑफ प्रिंट हैं, वो मेरे पास भी नहीं रह गई। बहरहाल वो शाकरुल्ला साहब कहते हैं जी कि आपका एक काला कॉल भेज रहा हूँ, यानी वो मेरा ही कोई जुमला निकाल के ना वो फिर मुझे इम्तिहान में डालते हैं, आपका खसूसी तबसरा दरकार है। वो है जी खाली पेट बिलाखर पुरसरार सरगर्मियों का मरकज बन जाता है, पुरसरार सरगर्मियां जो हैं ये वतन फरोशी से लेके जिस्म फरोशी तक, भूख जो है हमारे हुजूर ने पनाह मांगी है अफलास से, वतन फरोशी से लेके जिस्म फरोशी तक। क्राइम क्या है कभी कुरेद के देखें, कभी अखबारों में जब हम पढ़ते हैं कि इस आदमी ने या ये गैंग ने ये किया वो किया, कभी ये काम करें उनकी शक्लें देखें, डाकू पकड़े गए हैं, अब वो डाकुओं की शक्लें देखें, वो फिर हदूद से तजावज कर जाते हैं, वश तारी होती है, उनकी शक्लें देखें, उनके चेहरों पे फाके होते हैं, उजड़े पुजड़े चेहरे होते हैं उनकी, डल कोई तासुर एक्सप्रेशनलेस फेसेस। भूख तो बहुत खौफनाक चीज है। साहिर का एक शेर सुनने चलते चलते, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती, ये मिसरा है, मुफलसी हिस्सा लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। फिर वही होता है जो हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। थैंक यू हमारे यहाँ।